तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप एक इस बड़े से पेड़ को कैसे अपने पॉट के अंदर शिफ्ट करेंगे। दोस्तों, इस पेड़ का नाम है गोल्डन बोटल ब्रश और कॉमन नेम है इसका गोल्डन टपोरी। इसकी दोस्तों हाइट लगभग 6 फीट है और देखिए अभी ये इस बैग के अंदर है, तो हम इसे बाहर निकालेंगे और इसे पॉट के अंदर शिफ्ट करेंगे। इसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। कोई भी आप कंपोस्ट ले सकते हैं और मिट्टी और एक गमला कम से कम 20 इंच का, क्योंकि इसकी हाइट बड़ी है तो इसलिए आपको पॉट भी बड़ा लेना पड़ेगा दोस्तों। तो हमने दोस्तों एक खाद ले ली है, गोबर की खाद ली है मैंने, और ये मैंने मिट्टी ली है, आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं। ये देखिए इसमें पूरी मिट्टी भरी हुई है, मैं लेके आया था बाहर से। और ये मेरा पॉट है 20 इंची का दोस्तों, सीमेंट का पॉट ही लेना दोस्तों आप। कम से कम दोस्तों 20 इंची का पॉट तो आप ज़रूर लें, क्योंकि बाद में इसकी रूट्स काफ़ी एक्सपेंड होंगी तो उससे जो है इसको स्पेस मिल जाएगा ग्रो करने के लिए। तो चलिए अपनी मिट्टी और खाद को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों हमारी मिट्टी हो चुकी है रेडी एकदम। इसको अच्छे से आप कूट कूट के इसका पाउडर बना दें दोस्तों। पर इसमें जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये कंकड़ नहीं है, ये मिट्टी है, ये गीली होएगी तो अपने आप इसके टूट जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अपने पेड़ को इस पैकेट से निकाल लेते हैं बाहर। तो दोस्तों आपको सिंपली इसका 2 कट लगाने हैं, इसमें एक फ्रंट की साइड और एक बैक साइड पे। उसके बाद आप पेड़ इजीली बाहर आ जाएगा, देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए हमने पेड़ को निकाल दिया इसे बाहर, इसकी रूट्स काफ़ी ड्राई हो गई हैं, मैंने इसमें पानी नहीं डाला था। तो दोस्तों मैं अपने पेड़ को ले आया हूँ अपने घर के अंदर, जहाँ पे मेरे को ये रखना है, क्योंकि दोस्तों इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है तो इसे बार बार इधर से उधर ले जाने में काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए आपको जहाँ पे भी लगाना है वहीं पे आप इस पेड़ को दोस्तों शिफ्ट करें अपने पॉट के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसके अंदर अपनी जो अपनी मिट्टी रेडी की है आप उसको आधी फिल कर दें इसके अंदर। और दोस्तों एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, आप इसे खाली मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि अगर आप इसे मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो दोस्तों इसे फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाएगा बाद में आप ऊपर से जब ऐड करेंगे। तो इसलिए आपको ज़रूर ये रहेगा आपको इसके अंदर मिट्टी और खाद मिलानी है। और दोस्तों रेशियो मिट्टी और खाद का 50-50% आप आधी मिट्टी और आधी खाद लेनी है आपको। तो दोस्तों इसके बाद आपको इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि इसकी मिट्टी अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद होगा कि आपका जो पेड़ है वो काफ़ी अच्छे से इसके अंदर लग पाएगा। अगर आप ऐसे ही लगा देंगे तो फिर उसके जब आप बाद में पानी डालेंगे तो आपका पेड़ दोस्तों टेढ़ा हो सकता है। तो दोस्तों मिट्टी गीली होने के बाद दोस्तों अगर आपको वो ज़्यादा गीली लग रही है तो आप उसके अंदर थोड़ी सी और मिट्टी ऊपर से ऐड कर दें और उसके बाद आप अपने पेड़ को उसके अंदर खड़ा कर दें दोस्तों। ये देखिए मैंने इसके अंदर पेड़ को लगा दिया है और इसके बाद में जो आपका जो स्पेस है साइड में आपको इसके अंदर अपनी पोटिंग मिक्स को भर देना है अच्छे से। और अपने पेड़ को जरूर देख ले कि वो बिल्कुल सीधा लगा हुआ है, टेढ़ा तो नहीं लगा हुआ है, टेढ़ा लगेगा तो दोस्तों वो बेकार लगेगा। तो चलिए अपनी पोटिंग मिक्स को उसके अंदर दोस्तों वापस फिल कर देते हैं जहाँ पे उसमें स्पेस अभी खाली है। और कम से कम दोस्तों आपको इसमें 3 से 4 इंच तक का आपको इसमें स्पेस खाली रखना है ताकि इसमें थोड़ा वाटर होल्ड हो सके, क्योंकि मिट्टी है ज़्यादा तो इसलिए आपको इसमें थोड़ा वाटर होल्ड करना पड़ेगा ताकि वो अच्छा से नीचे तक रूट्स में इसमें चला जाए। तो दोस्तों हमने अपने पेड़ को अच्छे तरीके से लगा दिया है, आप देख सकते हैं हमने इसमें मिट्टी भी फिल कर दी है। इसमें देखिए कितने अच्छा लग रहा है अभी ये लगाने के बाद पॉट के अंदर। इसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा पानी डाल सकते हैं दोस्तों, मैंने डाल दिया था इसके अंदर थोड़ा पानी।
और मैंने इसमें वायर से थोड़ा होल्ड किया हुआ है, इसकी जो नीचे वाली ब्रांच है वो थोड़ी वीक लग रही थी मेरे को, तो इसलिए मैंने एक इसमें मैंने पीछे भी एक लगाई हुई है इसमें, ताकि इसका थोड़ा जो है शेप बनी रहे। तो दोस्तों आप भी किसी भी बड़े पेड़ को ऐसे आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।